महानायक अमिताभ बच्चन का काम के प्रति जज्बा और उनका लगाव बेहद खूबसूरत है। बिग बी कौन बनेगा करोड़पति से भी खास तरह से जुड़े हैं। पिछले 14 सीजन में कई कंटेस्टेंट आए और गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन केबीसी के मंच पर अक्सर ही कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती मजाक करते हुए नजर आते हैं। कई बार बिग बी कंटेस्टेंट के इमोशनल होने पर खुद भी दुखी होते दिखते हैं। ऐसा ही हाल ही के एपिसोड में हुआ। बिग बी ने बताया मुश्किल दिनों में वो क्या खाकर गुजारा करते थे। अमिताभ बच्चन ने केबीसी के मंच पर एक बार फिर से अपने पुराने दिनों को याद किया। दरअसल कंटेस्टेंट से क्विज शो के दौरान विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में सवाल किया गया। कंटेस्टेंट के जवाब देने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने कलकत्ता के दिनों को याद किया। अमिताभ बच्चन ने बताया विक्टोरिया मेमोरियल के पास एक फाटक है, वहाँ पर दुनिया के सबसे अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। अमिताभ बच्चन ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, हम जैसे लोग जिनकी 300-400 रुपए महीने की सैलरी थी, वहाँ जब हम जॉब करते थे तो खाने पीने में बहुत दिक्कत आती थी। उस समय पुचका पानी पर जिंदा रहते थे, उसकी कीमत 2 से 4 आना होती थी और उतने में बढ़िया पेट भर के खाते थे।